सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक दी न्यू वीडियो। सो भाई आज की वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। सो फिलहाल है भाई एम्स के पास, दिल्ली में आए थे भाई एक बुकिंग लेके। सो एक राइड कम्प्लीट कर चुकी है, फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं भाई नेक्स्ट राइड का। कोई नेक्स्ट राइड आती है फिर चलते हैं आराम से। तब तक तो भाई रोड पर चल ही रहे हैं, फिलहाल देखते हैं कोई आ जाए नेक्स्ट राइड, चलते हैं आराम से। भाई सुबह आज मैं जल्दी निकल आया हूँ, और वैसे तो भाई मैं बहुत लेट ही निकलता हूँ घर से, 1 बजे निकलता हूँ, आज 10 बजे निकला है भाई, क्योंकि रात को जल्दी पहुँच गया था। मैंने यार सुबह के टाइम में लेट निकलता हूँ ना 12-1 बजे, तो भाई काम भी नहीं मिल पाता यार मेरे को, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब चलो देखते हैं जल्दी निकलते हैं। तो भाई बुकिंग का इंतजार करते करते राइड का, राइड आ भी गई भाई एकदम से। और देखो राइड के लिए भाई हमारे पास कौन है, एक फॉरनर है भाई, देखो फॉरनर की राइड आई है। सो मिलते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको भी, देखते हैं कैसे क्या है। आने तो थोड़ा सा आगे, बस पहुँचने वाला हूँ। लो जी भाई आ भी गए, तो मीट करो भाई। रोड पे वही ट्रैफिक जाम है, तो यही रुके थे, तो पीछे बैठा भाई सर पिकअप कर लिया था इनको भाई, बहुत ही ज्यादा जल्दी वैसे थे, तो अभी इंट्रोड्यूस कराते हैं, मिलते हैं आपसे। हेलो सर, yeah, is I have a YouTube channel, so I make for that videos. So can you introduce yourself? I'm sorry. Can you introduce yourself? I have a YouTube channel. I'm a visitor here, and I'm catching a ride in this fabulous gentleman's. It is your first time in India visiting. It is my first time in India, and I can tell a great story. I messed up. So if you're using the Uber app, make sure you have your pickup spot right. Because I put him in a bad situation, and of course we were able to work through it, played some good music. So if you're in Delhi, absolutely look up Adnan Cinema Vlog. So bhai काफी ज्यादा अच्छा लगा सर से मिलके, और इनको भी यार काफी अच्छा लगा यार, फर्स्ट टाइम इंडिया विजिट किया इनको। ज्यादा खास मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का ज्यादा टाइम नहीं करूंगा। सो फिगर विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, सो करते अपनी राइड को कंप्लीट। ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते भाई, इतना ही बहुत है बस। अभी सर जा रहे हैं काम से अपना थोड़ा बहुत, तो वो काम कंप्लीट करवाते हैं इनका। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई सर से मिलके। तो भाई देखो यार इंसिडेंट बताऊँ भाई, देखो उनकी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग में 200 मीटर आगे रह गया था भाई, मैप देख के चल रहा था भाई मैं, तो मैप के अकॉर्डिंग में चलते जा रहा 200 मीटर आगे जाके मेरे को लेफ्ट लेना था। वो मेरे से बोलने लगे स्टॉप द कार पर कि सर वाई स्टॉप द कार, सो बोले वो भाई एक्चुअली माई डेस्टिनेशन इज कमिंग सो, मैंने कि नो सर मैप इज शो मी योर डेस्टिनेशन, आने वाली भाई आपकी डेस्टिनेशन, तो मैं आगे जाके रुकता हूँ। नो सो आई विल जंप द कार, मैंने कि भाई क्या कह रहे हो भाई, जंप क्यों कर रहे हो भैया गाड़ी से, क्यों कूद रहे हो, मैंने कि वेट आई विल स्टॉप द कार। एंड मैंने गाड़ी फिर जाके साइड में रोकी, फिर उनको उतारा, तब जाके गए भाई। बड़ी हड़बड़ी में थे, वहाँ से भी बैठे थे ना, बड़ी हड़बड़ी में बैठे थे भाई वहाँ से भी, और यहाँ पे भी बड़ी हड़बड़ी में थे, गाड़ी में बैठे एकदम से धा धू करके, और मेरे संग बैठे जल्दीबाजी में भाई, और जल्दीबाजी में उतरे भाई, और लास्ट सीन में तो भाई ऐसे बंदा उतरा एकदम कि आई विल जंप द कार। वो मैंने की भाई क्या कह रहे हो भाई, गाड़ी में से क्यों कूद रहे भाई, रोक रहा हूँ भाई, ला तुम्हारा अपहरण करके ले जा रहा भैया मैं। तो भाई कभी कभी सारे फॉरनर घूम रहे, तो यहाँ एम्बेसी मेरे ख्याल से उसकी है, मुझे याद तो नहीं है किस चीज़ की एम्बेसी है, पता नहीं कौन सी है यार, बहुत एम्बेसी है इधर, मेरे को तो यार याद भी नहीं रहता कौन कौन सी एम्बेसी है। अब भाई चलते चलते देखो ये भाई सारा एम्बेसी एरिया साइड चल रहा है, सारा VIP एरिया है यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे भाई सर्कल इतने रहते हैं भाई, यही घूमते रहो, ये देखो घूमते रहो बस इधर से उधर, सर्कल सर्कल हर 500 मीटर बाद सर्कल आते हैं भाई। तो भाई मैं तो यार रास्ता ही भूल जाता हूँ भाई कभी कभी, किधर जाना है मेरे को, अब देखो किधर से किधर ले जाएगी गाड़ी, पता ही नहीं भाई, मैप लोकेशन ऑन करनी पड़ती मेरे को। और भाई वो पर्सन यार इतनी जल्दी में था भाई, कभी कभी तो मेरी भी समझ नहीं आती है कि भाई क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यार मेरी इंग्लिश लैंग्वेज भाई इतनी परफेक्ट नहीं है मेरी, बिल्कुल एकदम आदमी ब्रिटिश लैंग्वेज बोलता है ना बिल्कुल, तो कभी कभी तो भाई वो ही मेरे कंट्रोल से बाहर निकल जाती है, तो मेरी भी कभी कभी समझ नहीं आती है। हालांकि यहाँ ये कि 80-90% तक मेरी भी समझ में आ जाती है, अच्छी खासी बोल लेता हूँ समझ लेता हूँ, बट इतनी भी नहीं कि भाई आदमी एकदम धाना बोले तो भाई वो भी मेरी समझ नहीं आती भाई, जो वैसे भाई है भाई इतना ही है भाई, अगर इतनी अच्छी इंग्लिश आ रही होती तो भाई टैक्सी थोड़ी ना चला रहे होते, और वैसा ही भाई टैक्सी तो अपना प्रोफेशन है भाई, एक काम है शौक है, सो कंप्लीट कर रहे हैं भाई ब्लॉगिंग के साथ ही। अरे वाह भाई देखो यार बिल्कुल यार देखो, मतलब ब्लॉगिंग पे बात करते करते भाई कैमरे पे बात करते करते भाई इधर इधर कट मार के ऑटोमेटिकली भाई धौलागुआ की साइड वाले रास्ते पे निकले हैं, सीधे रास्ते पे, कहीं मैप की लोकेशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी भाई, सीधे सामने लिखा गया धौलागुआ सीधे, और वो भी लेफ्ट राइट गाड़ी चलाई बिल्कुल बात करते करते कैमरे में। वाह भाई वाह, ये बढ़िया है भाई, ऐसे मिल जा कर ना माइंड राइट एकदम हो करके,
मजा आया करे। नेक्स्ट राइड भी आ चुके भाई अभी फिलहाल, और चलते भाई उसकी राइड की तरफ। भाई राइड में यार पता नहीं लग रहा भाई क्या नाम है, पता नहीं कुछ अलग ही लैंग्वेज है, मैं स्क्रीन शॉट डाल दे रहा हूँ देख लेना क्या है। फिलहाल चलते हैं देखते हैं कौन है, बात करते हैं उनसे भाई। और यार इंग्लिश तो मेरी भाई इतनी गुड नहीं है, सो भाई मैं अच्छे से बात कर सकूँ। देखते हैं आने वाला, बस थोड़ी सी दूरी पर ही है, 500 मीटर रह गया, आधा किलोमीटर। लो जी भाई आ गए, इनसे भी मिलते हैं, दो लेडीज हैं पर्सन है, मिलते हैं इनसे भी बात करते हैं एंड इंट्रोड्यूस कराते हैं भाई आप लोगों से भी। हाय हाय, हेलो, या ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। लो जी भाई इनको भी ड्रॉप कर दिया अभी अभी, दोनों ही थे भाई काफी अच्छे पर्सन थे, काफी अच्छी बात की भाई, खूब बात की, मतलब यार इतनी भी नहीं, मतलब बातें की अच्छी लगा ये भी, पर वीडियो शूट नहीं कर पाया क्यों यार, ऊबर की आईडी मेरे इसी फोन से है तो भाई इसी में ऑन करके रखता हूँ भाई, मैप नेविगेशन भी लगाना पड़ता है तो कैमरा ऑन नहीं कर पाता भाई, तो इसलिए बात नहीं कर पाता भाई कैमरे के सामने, तो ये भाई कभी कभी कर लेता हूँ। काफी अच्छे पर्सन थे, मिलकर अच्छा लगा भाई। आज सुबह से अच्छी अच्छी राइड आ रही है भाई, मैं तो कह रहा हूँ सुबह से ऐसी राइड आती रहे, मजा आता रहेगा भाई। भाई दिल्ली में ऐसा रोड यार मैंने कहीं नहीं देखा कभी भी, मैंने कहीं किसी भी देश या स्टेट वगैरह कहीं नहीं देखा, बस जो रोड अपना यहाँ है ना दिल्ली में एम्बेसी वगैरह एरिया पड़ते हैं सारे, सऊदी अरेबिया बांग्लादेश वगैरह जितने भी कनाडा वगैरह सब नहीं पड़ते हैं, तो भाई ये काफ़ी अच्छी जगह है। और भाई मेरे को यार उनकी आ रही है भाई, वो कैसे भाग रहे थे, नहीं आई विल जंप द कार, में नहीं सर वेट वेट आई एम स्टॉपिंग द कार, रिलैक्स हो जाओ, मैं रोक रहा हूँ आपके भाई, लेके नहीं भागा जा रहा भाई, किडनैप करके भाई, उनका रिएक्शन ही ऐसा था आई विल जंप द कार, मैं उनकी भाई रुक जाओ, मैंने कि सर डोंट वरी, डर नहीं कोई आ सकता नहीं, आप रिलैक्स होकर बैठ रही, मैं उतार दूंगा भाई, ऐसा कोई आपको किडनैप पर थोड़ी लग रहा हूँ भाई, यूट्यूबर यार थोड़ा बहुत यार रेस्पेक्ट करो भाई, तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है और क्या, तो मैं ऐसे भग रहा भाई गाड़ी में, तो मैं रोक रहा हूँ भाई, मैं नेविगेशन के अकॉर्डिंग ले जा रहा था, थोड़ा सा आगे था लेकिन उन्होंने थोड़ी सी आगे डाल दी थी, तो मैंने भाई भागने की जरूरत नहीं है, मैंने रोक रहा हूँ, मैं रुक जाओ। अब एक और नई कहानी सुनो भाई, देखो मैप के लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं आया हूँ इधर, जबकि आदमी अंदर से बुक करता है ना, अब दो रोड पड़ जाते हैं ना, तब दो रोड में ये देखो भाई कि उधर की लोकेशन डालनी चाहिए थी, आदमी उधर को निकल गया, भाई मेरे को लोकेशन इधर की दिखा रहा है मैप, तो मैं इस वाले रोड पर निकल आया हूँ, अब मेरे को उस साइड जाना पड़ेगा भाई घूम के। अभी साइबर सिटी में भाई एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा हो गए भाई राइड करते करते, भाई इतना ज़्यादा रास्ते, इतना ट्रैफिक था भाई रास्ते में, क्या ही बताओ भाई, निकलते निकलते डेढ़ घंटा लगा भाई आते आते साइबर हब में। अभी फिलहाल भाई करते हैं गाड़ी कहीं पार्क, खाना खाते हैं भाई, भूख लग रही क्योंकि डेढ़ बज चुका है भाई, 1:33 हो चुके हैं, तो डेढ़ बज चुका है समथिंग, खाना पीना खाते हैं भाई, गाड़ी लगाते हैं साइड में, राइड कर दिया मैंने, ऐप कर दिया बंद अभी ऊबर का, बाद में स्टार्ट कर लेंगे। निकाल भाई बढ़ा भाई बढ़ा और निकल गए। चलो भाई यहाँ लगाते हैं कहीं गाड़ी, देखो ये आसपास में सारी लगी ना डिवाइडर साइड में, इधर यहाँ कहीं लगाते हैं गाड़ी, फिर खाएंगे आराम से भाई, तसल्ली पूर्वक बैठ के आराम से। आज क्या बनाया भाई खाने में ये देखते हैं भाई, आज बनाया मेरे ख्याल से भाई पनीर की सब्जी बनाई थी यार, पनीर मटर वगैरह की जो भी है भाई, सर्दियों में यही मटर ज़्यादा चलती है, मटर क्या खाने में, आलू मटर क्या खाने में, पनीर मटर क्या खाने में, गोभी मटर, भाई कितनी मटर डालोगे भाई सब्जियों में यार, बोर हो जाता आदमी डेली एक एक सब्जी खा के भाई, अब देखते देखो इसमें मटर ही निकलेगी कोई, मैंने सुबह मटर पनीर की सब्जी देखी थी तो वही होगी, देखना देख लो भाई क्या है इसमें, लो भाई पनीर मटर है, मटर कितनी मटर खाओगे भाई। भाई ये पुलिस वाले जा रहे हैं, इनने फोटो खींच ली थी, साइड में गाड़ी खड़ी थी, फोटो खींच ली भाई, मैंने उनसे बोला ना सर 2 मिनट लगा मेरे को, बस पैसेंजर आ रहा है तो बस उठा के उसको लेकर निकल जाऊँगा, इतना बोला, तब जाकर मैंने फोटो डिलीट कर दी मैंने, ठीक है भाई सर धन्यवाद आपका, मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट की गाड़ी लगाई मैंने यहाँ पे, ऐसा तस्से इनका फोटो खींच लिया उससे, कह रहे वो सोने लग रहा है उसके पास भी जाऊँ, फिर उसके पास भी, तो भाई खासकर टैक्सी वालों से ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं भाई, वो तो बढ़िया भाई फोटो डिलीट कर दिया यार, यहाँ से फोटो खींच लिया, मैं बिल्कुल आगे खड़ा था जबकि गाड़ी मेरी स्टार्ट है, देखो है भाई स्टार्ट है गाड़ी एकदम, मैंने कहा सर 2 मिनट का टाइम लगा, बस जा रहा हूँ बस पैसेंजर आ गया, मैं तो मैंने चेहरा मैंने क्यों चलना फोटो वोटो ना खींचो मेरा, उनने फोटो नहीं खींचा भाई, बढ़िया भाई यहाँ से निकल गया, मैं निकलता हूँ भाई, गाड़ी यहाँ खड़ी करनी बेकार है, ऑन रोड कभी भी गाड़ी ना खड़ी करो भाई, सबने फोटो खींच खींच के ले यार भाई, गए कहाँ यार दिखे नहीं बिल्कुल, देश बड़ी जल्दी गायब हो गए, फिर से गाड़ी में बैठोगे भाई हाल निकल गए, अल्लाह भाई हमने तो गाड़ी उठा ली यार बढ़िया यहाँ से, अरे भैया ना रुक जाओ बाबूजी सबर कर लो भाई, इतनी जल्दी में उतरा करो, साले का खोपड़ी तोड़
भाई जब से यार लास्ट राइड करी है ना गुड़गांव से आया हूँ, वो दिल्ली से गुड़गांव आया हूँ भाई, तब से बैठ आई हूँ 3 घंटे, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे हो गए बैठे बैठे। जब से अब राइड बची भाई, सबसे वीडियो देख रहा था, काफ़ी सारी वीडियो देख ली भाई। अब चलते सीधे राइड उठाते हैं यहाँ से उनको, मैम को, मैम आई थिंक एक पैसेंजर है, उनको उठाना, उनको छोड़ते हैं फिर इधर, फिर देखते हैं भाई। अब तो यार सुबह से मतलब 3-4 घंटे से राइड नहीं की है भाई, 3 घंटे हो गए बैठे बैठे, बहुत टाइम हो गया। मैं सोच रहा भाई आ जाए, चलते हैं बेगर वेद। मुझे बताया भाई सुशांत लोक के गेट नंबर 4 पे आना है। मैं भाई आर गेट के 4 नंबर गेट से भी आया सुशांत लोक में, पूछ के पहुंच गया भाई। अम्मा आके फ़ोन करती है, मैडम कहती है भैया आर गेट की गेट पे आना 4 में। मैंने की भाई 2-3 बार देख लिया मैंने, लिखा 4 नंबर आर गेट का, मैं वहाँ नहीं रुका, वहाँ से सुशांत लोक के गेट नंबर 4 पे पहुंच गया। अब मैडम कह रही है भैया पीछे ही आओ। अब लो भाई पीछे ही जाना पड़ेगा, और क्या करूँ भाई। देख लो गाड़ियाँ टो होकर जा रही है भाई रॉन्ग साइड में, या गलत नो पार्किंग में लाओगे गाड़ी तो भाई यही रहता। देखो ये बैगनर पार करके ले जा रहा है भाई, टो करके ले जा रहे हैं, यही होता है भाई। भाई घूम फिर के यहीं आ गए, देख लो सारी जगह यहीं से गए थे निकल के भाई, 3 घंटा यहीं व्यतीत किया हमने यार, समय खराब यहीं किया, घूम फिर के भाई यहीं आ गए 3 घंटे में। ये नहीं यार कोई लंबी दिल्ली वगैरह की राइड आया, दिल्ली वगैरह निकल चले यार, वहाँ से काम मिलता रहता है, वहाँ रुक नहीं पाती गाड़ी। यहाँ पर भी अच्छा खासा काम मिलता है, लेकिन यहाँ यार कभी कभी स्टॉप हो जाता है काम, वो यार बड़ी दिक्कत होती है भाई। अब बैठा फिर से राइड आया तब जाके मजा आएगा भाई। भाई क्या ही लगती है यार रूबीकॉन, देख रहे हो है ना जीप वालों की, 7 सीटर भाई, कितने अच्छी लगी, 7 या 8 सीटर है भाई। मैं समझो थार को थोड़ा सा खींच दिया पकड़ के भाई, ऐसी हो गई बिल्कुल। और भाई ये खड़े हैं भाई फ्लैश सिग्नल पे, अब चलते हैं सीधे घर, क्योंकि भाई टाइम बहुत हो गया भाई, मालूम नहीं पड़ा इस टाइम का, 10 बज 11 बज गए भाई। और भाई शाम से वीडियो कोई भी शूट नहीं कर पाया, क्योंकि भाई टाइम यार याद ही नहीं रखते यार, कंटिन्यूस पर राइड आते हैं यही शाम के टाइम, तो मैंने वीडियो भी इतनी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। काफ़ी अच्छे अच्छे पैसेंजर मिलते गए भाई, काफ़ी लोगों ने चैनल भी सब्सक्राइब किया, तो भाई आई होप आप भी कर लोगे, करोगे आगे भी, शेयर भी करोगे तो भाई कर देना प्लीज़, कहने की जरूरत ना पड़े मेरे को। लो जी भाई आ गए घर को, और भाई ये देखो यार गड्ढे खोद रखे हैं भाई, सिविल लाइन की पाइप डाल रखे हैं इधर भाई, सामने तो पूरा खोद रखा है भाई, इधर इस वाली गली से जाना पड़ता मेरे को, और ये वाली गली तो भाई बीच में गड्ढा खोद रखा है। और कल का भाई क्या बात थी, देखो यार ये गड्ढा है ना सिविल खोल रखी है, देखो ये वाली भाई, कल यार पीछे वाली गाड़ी का टायर फंस गया यार, मतलब पीछे टायर फंस गया, मतलब आई मीन मेरी गाड़ी का भाई टायर फंस गया पीछे वाला, इसमें मैंने एकदम से भाई गाड़ी यूँ करके मोड़ी एंड देन यूँ करके बैग ली थी ना भाई, पीछे वाला इसके अंदर घुस गया और फंस गया। तो भाई अभी वेट कर रहे हैं भाई नारायण भाई का, यहाँ से आ जाए भाई, उनको यार मैं 2-3 दिन से ड्राइविंग सिखा रहा हूँ। की कह रही हो बताओ भाई, देख लो सर्दी में आए बाहर से, और देख लो इनको भाई अब मुझे गाड़ी सिखानी पड़ेगी, वो बट टाइम। सो फिलहाल भाई इनको करते हैं भाई गाड़ी सिखाते हैं, थोड़ा बहुत ड्राइविंग इनको भी सिखाते हैं भाई, इनको बिल्कुल नहीं आती भाई, इनकी गाड़ी होते सोते इनको गाड़ी चलाना नहीं आती है बिल्कुल भी। तो अब इधर आ जाओ महाराज भाई, बाहर निकलो पहले, निकालो ना बाहर, तुम निकालो अपने हिसाब से, आ जाओ, हाँ आओ बैग करके निकालो यहाँ से, पूरी बैग करके ले जानी, हाँ आ जाओ निकल जाइए बैग करके भाई, पूरी बैग ले जानी पड़ेगी और क्या, निकालो बैग। ओ और भाई ये क्या, ओ शिट भाई, अच्छा ये भाई उनका था यार, देख रहे हो यार पूरा, बताओ इसमें क्या है भाई, मेट खराब हो गई भाई। ओ भाई एक बात बताओ भाई तुमको यार, सबसे मेन चीज भाई, अभी जो पैसेंजर को मैंने ड्रॉप किया था ना, उसमें 3 लड़कियां थी और एक जेंट्स था भाई, एक लड़का था। तो भाई जैसे कि पीजी में रहते हैं वो लोग, तो साइबर अपने पार्टी वार्टी कर रहे होंगे अपनी, तो भाई देखो यार इतना मतलब यार, उसमें जो एक लड़की थी ना गर्ल्स, शी वॉज वेरी यार बबली कहता हूँ मैं तो भाई, बबली कहूँगा यार उसको, इतनी चुलबुली सी थी भाई, इतना परेशान कर लिया उसने आगे बैठे बैठे मेरे को, पीछे तो वो 3 बैठे थे भाई, भाई क्या ही बताऊं भाई, इतना आधी कर लिया और इतना उदम कर रहे तीनों के तीनों भाई, मैं तो परेशान हो गया, मैं सही भैया आप मेरे को छोड़ो इनको झेलना, तुम तो गाड़ी निकालो सीधे निकालो, स्टेरिंग क्यों काट रहे हो, सीधे निकालो भाई, अब मुझे इनको झेलना पड़ेगा, पहले मैं झेला अब यहाँ पर झेलूँगा, निकालो भाई सीधे सीधे जान दो भाई सीधे भाई, सीट बेल्ट लगा लो भाभी, भाभी जी सीट बेल्ट लगा लो भाई, गाड़ी आ रही है देख के भाई, मेरे भाई मेरे को भाई बड़ा डर लगता है भाई, ये ड्राइविंग करते हैं ना भाई, कल तो सीट बेल्ट नहीं लगाई, सडनली सामने पुलिस वाले गाड़ी साइड में मोड़ दी भाई, रिक्शा वाला बच गया। अब मैंने कहा भाई कॉलोनी में डाल दो, कॉलोनी में वहाँ से फिर बैक करके निकाल लेंगे, उनको डाउट नहीं होगा, फिर 2 मिनट वहीं स्टे किया रुके, 2 मिनट आराम से भू नहीं करनी चाहिए गाड़ी, 2 मिनट वहीं स्टे किया, फिर मैं इधर के इधर अंदर ही अंदर भाई अदला बदली करी, सीट की एक्सचेंज किया, फिर मैं निकाल के ले गया आराम से, फिर सीएनजी डाली, फिर जाके रात में आए थे। घुमाओ 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 घुमाओ, सीधी करो थोड़ी, जाने दो, अरे अरे कहाँ कर रहे हो भाई, ओ भाई भाई दीवार में ठोकोगे भैया, क्या कर रहे हो
मतलब मेरा कहना मतलब ये सीधे काट दे भाई, तुमने उधर ही काट दी बिल्कुल, निकालो। हाँ मेरी तरफ क्या देख रहे हो, निकालो। मतलब उस साइड काटो, अपनी साइड टर्न करो ना स्टीयरिंग को भाई। क्या ले रहे हो, आगे पीछे बहुत जगह है भैया। अरे सीधी करने की जरूरत नहीं है भाई, जान दो, स्टीयरिंग सीधा करो थोड़ा सा। हाँ ऐसे ही जान दो, काट दो पूरी, काट दो पूरी, काट दो भैया पूरी, काट दो बाबूजी पूरी, काट दो भाई पूरी, काट दो आराम से, पीछे गाड़ी ना टकराए। बस बस ब्रेक 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 भाई, मारोगे तुम भाई, दूर है जब मारे तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुमने ब्रेक लगा ही लगा के, दूर है, काटो पूरी स्टीयरिंग अब, इनका भाई भरोसा नहीं है। रात में भाई मेरे पे चढ़ा दी गाड़ी, बंद कर दी, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, मैं गाय को उठा रहा हूँ, घर के आगे गाय बैठी रहती, मैं उसको उठा रहा हूँ। भाई साहब इन्होंने मेरे ऊपर चढ़ा दी होती, और मैं कीचड़ में जाके कूद गया भाई, दोनों पैर खराब हो गए मेरे। और ऊपर से भाई रात में ऑटो खड़ा रहता गली में, और गली में वाले क्या करे, गाड़ी गाड़ी की लाइट तो हमारी होती, वो तो बच गई, सडनली ब्रेक लगा दी एकदम से इमरजेंसी ब्रेक, पर ना लाइट बच गई भाई, बॉनेट वॉनेट सब चलाया था। अरे भाई रुक जा, ओ कुत्ते भौंक रहे हैं, लगता तरक्की हो गई, लगता तरक्की हो गई भाई, कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं आजकल। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो भाई, देख लो भाई इनमें लड़ाई हो गई पंप वालों में, आगे पीछे करने लग रहे हैं। सो अभी जो कहते हैं भाई यहाँ पे पंप सी एन जी डला भाई, सी एन जी खत्म हो गया, पेट्रोल में लगी थी गाड़ी, और बच गए भाई 12 बज चुके हैं। फिलहाल इस ब्लॉग का करते भाई एंड, मिलेंगे कल को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई, और वीडियो को भाई सब्सक्राइब कर देना।